थोड़ी पुरानी कविता है, पर मुझे निर्देश हुआ है कि यहीं से शुरू करो। शीर्षक है लड़ो। पढ़ सकते हो तो ऊंची आवाज में पढ़ो, पढ़ सकते हो तो ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि सब लोग सुन सकें। लिख सकते हो अगर तो उठाओ रंग और कूची और लिख दो शहर की दीवारों पर। पत्थर तोड़ना जानते हो तो पहाड़ को समतल करने का लक्ष्य रखो, पत्थर तोड़ना जानते हो तो पहाड़ को समतल करने का लक्ष्य रखो। आता है बीज बोना अगर तो एक भरपूर घने जंगल का सपना देखो, आता है बीज बोना अगर तो एक भरपूर घने जंगल का सपना देखो। गीत रच सकते हो तो लिखो एक जनगीत, गीत रच सकते हो तो लिखो एक जनगीत। संगीत बना सकते हो तो रचो कुछ ऐसा कि सब थिरक सकें बेझिझक। तैर सकते हो तो दे दो अपनी लाइफ जैकेट उसे जो डूब रहा है, तैर सकते हो तो दे दो अपनी लाइफ जैकेट उसे जो डूब रहा है। थोड़ी भूख बर्दाश्त करो, थोड़ी भूख बर्दाश्त करो, दे दो अपनी एक रोटी उसे जो तुमसे ज्यादा भूखा है। अपनी प्रार्थनाएं बचा कर रखो, अपनी प्रार्थनाएं बचा कर रखो किसी और कातर समय के लिए। ये युद्ध काल है, ये युद्ध काल है, मत करो याचनाएं, मत गड़गड़ाओ, मत दिखो निरीह, लड़ो। मैं कविता को छोड़ छाड़ी थी पर मैंने सोचा राजनीति कविताएं सुना। वे देवताओं को जल देते हैं, वे देवताओं को जल देते हैं पूर्व दिशा में, ऋषि मुनियों को उत्तर की ओर, पुरुषों को जल देते हुए वे दक्षिण का रुख करते हैं। वे देवताओं को जल देते हैं पूर्व दिशा में, ऋषि मुनियों को उत्तर की ओर, पुरुषों को जल देते हुए वे दक्षिण का रुख करते हैं। वे दशों दिशाओं को प्रणाम करते हैं, धार्मिक कर्मकांड निपटाकर वे पश्चिम की ओर मुंह करके बैठते हैं, धार्मिक कर्मकांड निपटाकर वे पश्चिम की ओर मुंह करके बैठते हैं। मनुष्य प्रजाति की चिंता में और अर्पित कर देते हैं अपनी आंखों का सारा पानी। वे सभी दिशाओं से अधिक डरते हैं उस पश्चिम दिशा से, वहां उनके आका बसते हैं। नींद बचाकर रखनी चाहिए थोड़ी, नींद बचाकर रखनी चाहिए थोड़ी, वरना बहुत बची हुई काली और सुनसान रातों का क्या करोगे। नींद बचाकर रखनी चाहिए थोड़ी, वरना बहुत बची हुई काली और सुनसान रातों का क्या करोगे। सपने बचाकर रखने चाहिए थोड़े, वरना बहुत बचे हुए खुरदुरे और निर्मम सच से कैसे निपटोगे। अन्न बचा लेना होगा थोड़ा, वरना पसरती जा रही कुलबुलाती और जानलेवा भूख को कैसे मिटाओगे। वो सब जो बने हुए हैं रोशनी के अलमबरदार सपनों के हैं सौदागर, वो सब जो बने हुए हैं रोशनी के अलमबरदार सपनों के हैं सौदागर। वे बेच सकते हैं भूख और अंधकार को भी विज्ञापन बनाकर। एक बहुत पुरानी कविता है पर मेरे साथ अच्छा ये है कि मैं तो कविताएं सुनाता ही नहीं किसी को, तो बची हुई है तो आपको कोई दृश्य याद आ जाए तो अच्छा है, वरना कविता की तरह सुन लीजिएगा। आतंक का भयानक हमला था, आतंक का भयानक हमला था के बाद आतंक की भयानक तस्वीरें थी, के बाद आसमान भर छाया धुआं था, के बाद ढेर सारा मलबा और लाशें थी, के बाद हादसे के दर्दनाक बयान थे, के बाद रुदन व्याप गया था, के बाद आतंक के खिलाफ भयानक गुस्सा था, के बाद गुस्से के साथ देने की धमकी थी, के बाद भीषण हमले की तैयारी थी, के बाद हमले का डरावना आतंक था, के बाद आतंक था।